Yes, some examples of dessert are like Sahara dessert, Atacama dessert, the Thar dessert of India, the Great Sandy dessert of Australia. These are the few examples of dessert. Now move to the next topic, that is rivers. Now move, rivers are what? Rivers are the natural channels of water. Okay, rivers are the natural channels that carry rainwater and water also from melted ice and snow from the mountain river. Generally वो कैसे form होते हैं क्यों rain water से नहीं तो जो melted ice and snow जो mountains peak पे glaciers होते हैं उनसे जो streams बनते हैं they join together and form a river. Yes, these channel are starting क्या होता है ये channel start तो mountains होते हैं stream different streams mountain region में और फिर वो जाके एक जगह मिलते हैं और river form करते हैं. ये different streams from the mountain region and then it form a ये river के शेप में आ जाते हैं. Okay, rivers from the places of origin, जहाँ से ये originate करते हैं कहाँ से, from the mountains, from places to the from the origin to the mouth of river. Mouth क्या होता है, तो the mouth is a point where the river meets with the large water bodies like seas, lakes, okay, oceans. तो जहाँ से इनका ऑरिजिनेशन होता है फ्रॉम द माउंटेंस टू इट्स माउथ, जहाँ पे ये मिल जाते हैं दूसरे किसी वाटर बॉडीज, लार्ज वाटर बॉडीज से. तो इस बीच दे आर थ्री स्टेजेस वी विल डिस्कस वन बाई वन. ऑल द थ्री स्टेजेस आर, द फर्स्ट वन इज, यस, रिवर्स हैव थ्री स्टेजेस. ओके, फ्रॉम देयर ऑरिजिनेशन टू इट्स माउथ. द फर्स्ट इज the first is the upper course, the second is middle course. Okay, three stages of river we have, and the third is the old course, the old course or the lower course also, it is also known as the lower course, old or lower course. In the upper course, the river originate in the mountain area. It origination is there, and the, here the speed of the river is very fast. क्योंकि ये hills से mountain से move करते हैं तो here the speed of the river is very fast. यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ऊपर से नीचे की ओर आते हैं because heights से आते हैं. और उसमें बीच में इन दिस कोर्स दे जनरली फॉर्म कैनियंस, डीप वैली से नैरो स्ट्रीम्स बना के ये होते हैं जनरली. जो फीचर्स, थ्री फीचर्स इन अपर कोर्स, इसमें क्या क्या करते हैं लाइक माउंटेन्स उनको वाटरफॉल के रूप में भी गिरते हैं. थ्री फीचर्स यू मे राइट, इनका थ्री फीचर्स क्या होगा, कैनियंस भी, कैनियंस फॉर्म करते हैं, डीप वैली कट करते हैं, ठीक है, नैरो स्ट्रीम बना के माउंटेन्स के बीच से होके गुजरते हैं, वाटरफॉल्स, वाटर when water fall from very height, तो mountain area में बहुत जगह पर ये waterfall के रूप में, and rapids. Rapids means जब river की speed बहुत ज़्यादा होती है, generally कभी कभी mountain या पे rocks के ऊपर बहुत speedily जब वो move करते हैं, even the river water flows very speedily over the rocks, that is, that feature is known as rapids. तो three features in the first upper course, माउंटेन में जब तक रिवर्स रहते हैं तो कौन कौन फीचर्स करते हैं लाइक फॉर्म करते हैं, कैनियंस फॉर्म करते हैं, वाटरफॉल्स के रूप में गिरते हैं, एंड द रैपिड्स फ्लो करते हैं, बहुत रैपिडली फ्लो ऑफ वाटर रहता है ऑन द ओवर द रॉक्स. नाउ कम टू द मिडिल कोर्स. मिडिल कोर्स में क्या होता है, यस, मिडिल कोर्स इज द स्टेज ऑफ द रिवर वेयर इट लीव्स द माउंटेन, जहाँ पर नदियाँ माउंटेन्स को छोड़ देती है और कहाँ एंटर करती है, दे इंटर द प्लेन एरिया. यहाँ पे इन द मिडिल कोर्स दे लीव द माउंटेन और ये दे इंटर इन द प्लेन्स. अब माउंटेन पे तो स्पीड बहुत ज़्यादा है बिकॉज ड्यू टू द हाइट रिवर्स बहुत तेजी से नीचे की तरफ आते हैं ड्यू टू द हाइट. यहाँ आते ही द स्पीड ऑफ द रिवर इज बिकम स्लो. यहाँ जैसे ही वो एंटर करते हैं इन द प्लेन्स, इनके स्पीड क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं. स्लो होने के साथ साथ एक और फीचर्स रिवर, यहाँ इस स्टेज में रिवर की स्पीड तो स्लो होती है, एट दिस स्टेज वाटर डिक्रीजेस एंड फॉर्म्स लाइक वाइडेंस, ये चौड़ी हो जाती है. ओके, द वाटर
अपने रूप में चेंजिंग लाते हैं, और वो नैरो इन द माउंटेंस नैरो स्ट्रेचेस से भी निकल जाते हैं, बट इन द प्लेन एरिया दे बिकम वाइड एंड वाइड. चौड़ी हो जाने के बाद जनरली फॉर्म द लूप. लूप मीन्स दिस काइंड ऑफ थिंग, यू मे बी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, दिस इज लूप. लूप स्ट्रक्चर लाइक स्नेक्स में हम देखते हैं लूप बनाते हैं स्नेक्स लाइक दैट. लूप फॉर्म करते हैं, दैट इज दिस लूप फॉर्मेशन बाय द रिवर्स इन द प्लेन एरिया नोन एज मेंडर्स. इनको क्या कहते हैं? मेंडर्स. दिस फॉर्मेशन बाय द रिवर्स ऑन द प्लेन एरिया लूप टाइप स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज मेंडर्स फॉर्म बाय. यू कैन सी यूर इन द बुक दिस काइंड ऑफ थिंग. लाइक we have the Ganga river in our country, between the Allahabad and Varanasi, this kind of loops are formed by the Ganga river. Which one? Now rivers Ganga, now come to the lower course. Yahan speed slow gaya. Now come to the lower course, and at this stage the rivers meets with the any large water bodies like seas and oceans lakes. Here the rivers, and here जनरली वॉट हैपन, यहाँ क्या होता है जब रिवर्स किसी ओशंस के या सी में मिलने की तरफ जाती है, तब देन द सिल्ट कैरेड बाई द रिवर, जितना भी उनका सिल्ट होता है, दे जस्ट वहाँ स्पीड एट द माउथ जहाँ पे मीटिंग होती है, मीटिंग पॉइंट ऑफ द ओशंस एंड रिवर, एट द माउथ द रिवर बिकम वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, और जनरली दे फॉर्म दिस काइंड लाइक रिवर आ रहा है ये, और ये स्ट्रीम में बढ़ जाते हैं छोटे छोटे स्ट्रीम. यहाँ पे इसको मिलना है सी से, दिस इज द पोर्शन ऑफ सीज. ओके, यहाँ पे सपोज दैट दिस इज रिवर, ये रिवर को ही अब यहाँ इसको सीज से मिलना है, तो यहाँ जनरली क्या होता है, दी फॉर्म ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग में बढ़ गया, और ये दिस इज द माउथ ऑफ द रिवर वेयर इट मीट्स विद द सी. अब यहाँ पे वॉट हैपन, इट ये चौड़ी हो जाती है और इट फॉर्म्ड अ ट्रायंगुलर शेप. ये यू कैन सी ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में बढ़ के ये कौन से शेप में आ जाते हैं, इन द ट्रायंगुलर से. दिस ट्रायंगुलर शेप, यहाँ पे क्या होता है, दे डिपॉजिटेड सिल्ट, ये डिपॉजिट करते हैं सिल्ट अपने साथ जो लाए हैं पूरे प्लेन्स एरिया से होते हुए, अपने साथ जो वो सिल्ट लाए हैं यहाँ पे इस माउथ पे अपने यहाँ पे वो डिपॉजिट कर देते हैं इन द एट दिस पॉइंट. एंड ड्यू टू दिस एरिया इज वेरी फर्टाइल, एंड दिस ट्रायंगुलर शेप एरिया फॉर्म बाय द डिपॉजिशन ऑफ सिल्ट बाय द रिवर बिकॉज दे स्लो डाउन देयर स्पीड. तो दिस एरिया इज नोन एज द डेल्टा. इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा. द डेल्टा यू कैन से डेल्टा इज अ ट्रायंगुलर शेप लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर. ओके, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट कैरिड बाई द रिवर दिस पोर्शन इज वेरी मच फर्टाइल, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. एंड वी हैव द डेल्टा इन आवर कंट्री दैट इज फॉर्म्ड बाई द टू मेन रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. Ganga and Brahmaputra, they both meet at a point near the West Bengal or Bangladesh. वहाँ पे आके वो दोनों मिलते हैं. They form the world largest delta, and its name is Sundarban Delta. World largest delta is formed by the Ganga and Brahmaputra river, and it is known as Sundarban Delta. This is all about the plateaus, plains, deserts, rivers. And we will, in our next video, we will read the next chapter.